हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसके टॉपिक के कांटेक्ट नंबर किस प्रकार से सेव करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स मेरे पास है और टेक्नो का फोन आई शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको डायल पैड ओपन करनी, डायल पैड ओपन करने के बाद आपको उस प्रकार से इंटरफेस आता है एंड कांटेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। कांटेक्ट्स भी उसके बाद आपको यहाँ दिखता है करेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट, आप उस पर क्लिक कर देंगे। मतलब अगर इस पर फॉरवर्ड रिसेंट पर क्लिक होता तो आप कॉन्टैक्ट्स पर ही क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको करेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट भी क्लिक कर देना है। करेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको उस प्रकार से इंटरफेस आता है। फर्स्ट आपको कैमरा आता है, मतलब जिसका भी नंबर सेव करें, टेक फोटो चॉइस फोटो अपने हिसाब से ऐड करेंगे एंड फर्स्ट नेम डालेंगे। और मैं आपको समझाने के लिए ए बी सी डी ऐसे कुछ डाल रही हूँ और अपने हिसाब से डालेंगे। और इसके बाद इधर फ़ोन नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे डाल रही हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है मोबाइल नंबर, ये सब मोर का ऑप्शन भी क्लिक करते हैं तब आपका ऑप्शन आता है होम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। एंड इसके बाद आपको सब कुछ जब सब ऐड हो जाता है तब आप सेव पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपको सेव हो चुका देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। अगर हटाना हो जैसे कि 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे हट भी जाता है। जिससे तरीके से आप अपने फ़ोन में और कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।